हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं पल्प पॉलिप के बारे में। कभी कभार आपने अपने दांत के ऊपर नोटिस किया होगा या अपने बच्चों के दांत के ऊपर नोटिस किया होगा कि दांत के बीच में एक मांस जैसा, फ्लैश जैसा दांत के ऊपर आ गया है, तो इसे पल्प पॉलिप बोलते हैं। तो ये पल्प पॉलिप एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ये बन जाता है दांत के ऊपर, कैसे ये हो जाता है, क्या क्या कारणों की वजह से आपके दांत के ऊपर पल्प पॉलिप आ जाता है, और इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके लिए आप क्या इलाज ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो पल्प पॉलिप से रिलेटेड ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने दांत के ऊपर नोटिस कर रहे हैं कि दांत के बीच में ऊपर मांस जैसा कुछ आ गया है, पिंक या रेड जैसा मांस आपको आपके दांत के ऊपर दिख रहा है, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले प्रस्तुत आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में और आसान भाषा में सारी चीजें पल्प पॉलिप से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। इस कंडीशन में जो आपका दांत है, आप उसके ऊपर नोटिस करेंगे एक मांस जैसा बन जाता है, फ्लैश जैसा आपके दांत के ऊपर हो जाता है, जो कि अक्सर पिंक या फिर ज्यादा रेड कलर का होता है। रेड या पिंक कलर का मांस जैसा आपके दांत के ऊपर आ जाता है, जिसे पल्प पॉलिप बोलते हैं। सबसे पहले अब हम इसे समझते हैं। पॉलिप का मतलब होता है ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू। कोई भी टिश्यू जो हमारे होते हैं उसकी ओवरग्रोथ को हम पॉलिप बोलते हैं। जो टिश्यू है, टिश्यू की ओवरग्रोथ या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी ओवरग्रोथ को हम पॉलिप बोलते हैं। और जो हमारा पल्प है, जो हमारे दांत के अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, टूथ स्ट्रक्चर में हमारे दांत के जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में पल्प प्रेजेंट रहता है, जो कि दांत की रूट्स तक जाता है, और उसके पल्प के टिश्यू के ओवरग्रोथ को हम बोलते हैं पल्प पॉलिप। पल्प में जो टिश्यू है उसका ओवरग्रोथ किसी भी कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण अगर पल्प टिश्यू का ओवरग्रोथ हो जाता है तो उसे बोला जाता है पल्प पॉलिप, या फिर इसे हम क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस भी बोलते हैं। अब क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रॉनिक का मतलब होता है काफी लंबे समय से ये बना हुआ है, इसे क्रॉनिक बोला जाता है। हाइपरप्लास्टिक मतलब ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू, पल्प टिश्यू का ओवरग्रोथ को हम हाइपरप्लास्टिक बोलते हैं। और पल्पाइटिस मतलब होता है पल्प इन्फ्लेमेशन। तो पल्प में जो हमारा पल्प टिश्यू होता है, दांत के बीच में जो पल्प प्रेजेंट होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण उस टिश्यू का बढ़ना, ओवरग्रोथ ऑफ पल्प टिश्यू को बोला जाता है पल्प पॉलिप। अब जो पल्प पॉलिप जो आपके दांत में फॉर्म हो जाता है वो कहाँ और किन कंडीशंस में फॉर्म होता है ये समझते हैं। तो कहाँ की अगर हम बात करें तो जनरली जो आपके दांत पीछे वाले जो दांत होते हैं, पोस्टीरियर टीथ जिसे हम बोलते हैं, उनमें पल्प पॉलिप की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जो आपके मोलर्स होते हैं, जो पीछे की डाड़े आप जिसे आम भाषा में बोलते हैं, मोलर्स में पल्प पॉलिप की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंडली, ये कंडीशन आपको बच्चों या फिर यंग एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, और ओल्डर पेशेंट्स में आपको पल्प पॉलिप की कंडीशन कम देखने को मिलती है, बच्चों और यंग एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अब किन किन कंडीशंस में पल्प पॉलिप फॉर्म हो सकता है दांत में ये समझते हैं। अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा केरियस लगी है, सड़ान आपके दांत में बहुत ज्यादा बढ़ गई, केरियस लीजन है, तो उस कंडीशन में भी आपके दांत में पल्प पॉलिप फॉर्म हो जाता है। जब आपके दांत में बहुत ज्यादा केरियस है, सड़ान बहुत ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा हो गई है कि दांत आपका पूरी तरीके से सड़ चुका है, स्ट्रक्चर दांत का नहीं बचा है, तो पल्प की जो पल्प टिश्यू है उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है और पल्प पॉलिप आपके दांत में फॉर्म हो सकता है। दूसरा, अगर आपके दांत में रेस्टोरेशन नहीं हुआ हो, अगर आपके दांत में कैविटी बनी थी लेकिन उसमें आपने फिलिंग नहीं हुई है, रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपके पल्प टिश्यू की ओवरग्रोथ होती है और पल्प पॉलिप फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका किसी भी कारण दांत फ्रैक्चर हो गया है, किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण, या फिर आपने खाना खाते समय जोर से कोई चीज, हार्ड चीज चबा ली हो, खाने में कोई हार्ड बाइट ले ली हो, उसकी वजह से अगर आपके दांत में फ्रैक्चर आ गया है तो वहां पर आपके पल्प पॉलिप फॉर्म हो सकता है। फ्रैक्चर टूथ में भी कंडीशन हो सकती है कि आपका पल्प पॉलिप उस टूथ पे आपको दिखने को मिल सकता है।
तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी दांत की जिसमें आपके पल्प की जो टिश्यू है उसकी ओवरग्रोथ होती है और पल्प पॉलिप फॉर्म हो जाता है। अब अगर पल्प पॉलिप को देखने के लिए बोले कि देखने में वो कैसा दिखेगा, उसका अपियरेंस कैसा होगा, तो जब भी आप नोटिस करेंगे कि आपके दांत के ऊपर एक लोबुलेटेड मास जैसा आपको फ्लैश जैसा दिखेगा, जो कि पिंक से लेकर रेड कलर का भी हो सकता है और कुछ कुछ केसेस में ज्यादा रेड कलर का भी आपको मास जैसा अपने दांत के बीचों बीच दिखता है। हो सकता है ज्यादा, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सड़ान है दांत में, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है पल्प पॉलिप में, हो सकता है ब्लीडिंग भी आपको नोटिस हो सकती है, उसमें से खून भी आ सकता है। तो एक मास जैसा, एक फ्लैश जैसा आपको अपने दांत के बीच में ऊपर नजर आता है पल्प पॉलिप की कंडीशन में। तो इससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपके दांत पर ये पॉलिप बन गया है, ऊपर ये मास जैसा आ गया है, तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? समझते हैं। जनरली पल्प पॉलिप अगर आपके दांत में हो गया है तो ये कंडीशन एसिम्टोमेटिक रहती है। इसके कोई इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे आपको दर्द महसूस नहीं होता है। सिर्फ अगर लेकिन ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, ज्यादा बढ़ गया है पल्प पॉलिप, ज्यादा हो गया है, और खाना खाते समय, चबाते समय अगर ये आपके दांत के बीच में आ रहा है, अगर ये इरिटेट कर रहा है, तब हो सकता है कि आपको इसमें दर्द हो सकता है, या फिर ज्यादा इन्फेक्शन के कारण, बढ़ने के कारण इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जनरली पल्प पॉलिप की कंडीशन में आपको कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही दर्द होता है। अगर ज्यादा बढ़ गया है चबाते समय, खाना खाते समय दांत के बीच में ये आ रहा है, तब हो सकता है कि आपको इस कंडीशन में पेन हो सकता है। अब इसके अगर हम इलाज की बात करें, अगर आपके दांत में ये पल्प पॉलिप फॉर्म हो गया है, तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो अब हम समझते हैं। ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है कि आपके दांत में इन्फ्लेमेशन जो है, आपके दांत में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन कितना ज्यादा हो गया है, आपके दांत का जो स्ट्रक्चर है वो कितना बचा है। दांतों में सड़ान की वजह से, जब भी आपके दांत में सड़ान हो जाती है, तो सड़ान की वजह से आपके दांत में स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दांत पूरा सड़ जाता है, स्ट्रक्चर नहीं बचता। तो अगर आपके दांत में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, पल्प पॉलिप ऊपर आ गया है और दांत का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बचा है, तो इस केस में आपके लिए जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, जो डेंटिस्ट आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, वो होता है उस दांत का एक्सट्रैक्शन। आपको उस दांत को एट लास्ट उसको निकलवाना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि वो दांत आपका पूरी तरीके से सड़ चुका है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बचा है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपके दांत में इन्फ्लेमेशन कम है, इन्फेक्शन कम है, दांत का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, स्ट्रक्चर ज्यादा खराब नहीं हुआ है, तो इस केस में आपका ट्रीटमेंट से आपके दांत को बचाया जा सकता है। इसमें आपके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जिसमें आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं वो है पल्पोटोमी। पल्पोटोमी में क्या किया जाता है, जो आपके दांत के ऊपर जो पल्प टिश्यू, जो पल्प पॉलिप फॉर्म हो गया है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, प्रॉपर दांत का रेस्टोरेशन कर दिया जाता है और दांत का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके दांत को बचाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन रहता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम नसों का इलाज भी बोलते हैं। शॉर्ट में समझेंगे, जब भी आपके दांत में सड़ान हो जाती है, सड़ान ज्यादा बढ़ जाती है, आपके दांत में सड़ान होती है, कालापन आपको दिखेगा, धीरे धीरे सड़ान, अगर आपने उसी समय अपना दांत का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, फिलिंग नहीं करवाई है, सड़ान को रिमूव नहीं करवाया है, तो सड़ान धीरे धीरे बढ़कर आपके दांतों की नसों तक पहुंच जाती है, जिसे हम पल्प बोलते हैं, पल्प तक पहुंच जाती है और पल्प में आपके पेन आ जाता है। तो अगर आपके पल्प डैमेज हो गई है, पल्प टिश्यू आपका डैमेज हो गया है, तो उसके लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज किया जाता है। तो पल्प पॉलिप की कंडीशन में भी हम अपने आपके जो दांत है उसकी जो कैनाल्स हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, दांतों का जो इन्फेक्शन है, दांतों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन दांत में हो रहा है, उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है और दांत को रेस्टोरेशन करके, क्लीन करने के बाद फिलिंग करके दांत को बिल्डअप कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने दांत को बचा सकते हैं। और कुछ केसेस में ज्यादा जरूरत पड़ने पर क्राउन लेंथनिंग भी की जाती है, क्योंकि क्राउन लेंथनिंग इसलिए करते हैं ताकि आप ट्रीटमेंट के बाद उस टूथ पर क्राउन को फिट कर पाए, इसलिए कुछ केसेस में क्राउन लेंथनिंग भी की जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट चॉइसेस रहते हैं अगर आपके पल्प पॉलिप की कंडीशन है तो उसको, आपके दांत को सेव करने के लिए। पल्प पॉलिप का ट्रीटमेंट इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो दांत है वो
वो प्राइमरी टूथ है या फिर परमानेंट टूथ है, प्राइमरी टूथ में पॉलिप हो रहा है या फिर परमानेंट टूथ पे पॉलिप हो रहा है, तो इस कंडीशन पे भी आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट उस समय आपके दांत के लिए चाहिए पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि पल्प पॉलिप होता क्या है, आपके दांत के ऊपर जो मांस आ जाता है पिंक या रेड कलर का, आपको मांस जैसा अपने दांत के ऊपर बना दिखता है उसे क्या बोला जाता है, ये कैसे फॉर्म हो जाता है और इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, आपको आसान भाषा में अच्छे से और डिटेल में समझ आ गया होगा कि पल्प पॉलिप क्या होता है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।